ये जो मेरे कमरे की दुर्दशा हो रखी है ना, ये बहुत सुबह से ये आज ऐसे फैला हुआ है। गुड मॉर्निंग, आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। आज मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, बाहर ठंड, अब लग रहा है कि ठंड आ गई बाहर। तो जिस हिसाब से सबके सब घर के अंदर है, तो हमारा शेरा भी घर के अंदर है। शेरू बाहर आ जाओ। गुड बॉय, गुड बॉय। सीट उधर, सीट उधर, सर सेट पहले इधर। चलो पा दे दो शिरुपा। गुड बॉय, स्माइल कर दे। ही ही, हंस रहा है, हंस रहा है। साइड फेस करो, ये ले, साइड फेस करके पोज दो। चलो साइड फेस करो। गुड बॉय, चलो इधर आ, चलो घर के अंदर, चलो अंदर चलो। तो इसको हमने बहुत अच्छे से ट्रेंड कर रखा है। शिरु बाहर आ जा, बाहर आ, अंदर चल, चल अंदर, अंदर चल। तेरी आज परेड कराऊंगी, बहुत बदतमीजी कर रहा है तू। जा शिरु बाहर आ जा। गुड बॉय, सिट सिट, ना नहीं बोलना, सिट पा दे, पा दे। गुड बॉय, स्माइल कर दे, दांत दिखा दे अपने, दांत दिखा दे। ही, कान कैसे कर रखी, होशियारी होशियारी होशियारी, पा दे। चलो साइड पोज दो, चलो सो जाओ अब। और ना ये तो सुबह पापा लेके जाते हैं इसको पहना के, ये छाती का पट्टा है। तो इसकी ना जो बेल्ट थी ना, वो नई लेके आ गए हम। तो ये रेड कलर की इसने, बेल्ट ब्लैक एंड रेड, तो बहुत ही सोहना लग रहा है, बहुत ही सोहना लग रहा है, बहुत ही सोहना लग रहा है। चिटीट चिटीट, हाउ आर यू, तो सो जाओ ठीक है। तो ये नया पट्टा इसके लगा लिया हमने, चलो सो जाओ अब। बिल्कुल आगे धुंध पड़ी है, तो आज बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है मौसम। तो चलिए फिर जल्दी चलते हैं अंदर। बहुत सोचने के बाद आज वो दिन आ गया, आखिर मैंने अपनी वार्डरोब खाली कर ही दी। तो इस तरीके से मैंने आज सारी अपनी वार्डरोब खाली करी। यहाँ पे मैंने अपनी पूरी वार्डरोब खाली कर दी है, क्योंकि अब इसमें जाएंगे हमारे सर्दियों के कपड़े, सारे वूलन कपड़े डलेंगे इसमें। बट अभी मेरी वार्डरोब ना, मैंने जब खाली करी ना, तो इतना सारा चट्टा लग चुका है, ये पूरा ये भर गया अच्छे से। तो ये पूरा मैंने यहाँ पे अच्छे से रख दिया है। तो ये सब तो जाएंगे अब बेड के अंदर, और बेड के अंदर से जो मेरा सारे विंटर के कपड़े हैं, वो सब मैं निकाल के अलमारी में सेट करूँगी। मेरी पूरी वार्डरोब खाली हो चुकी है। तो चलिए फिर हम इसको फटाफट से सेट करते हैं। और आगे एक और चीज़ है, मेरा ना एक जैकेट नहीं मिल रहा मुझे, मेरा दिमाग खराब हो। एक तो मिल गया, पर एक और एक है पिंक कलर का, वो नहीं मिल रहा मुझे। सो आज हमारे घर में बन रही थी लंच में हरी सब्जी और कढ़ी और भात बन रहा था। तो मैंने सबसे पहले हरी सब्जी की तैयारी की। तो हरी सब्जी के लिए मैंने सबसे पहले ना कुछ मिर्चें मैंने ना भून के अलग निकाल दी, जो कि मैं लास्ट में उसके ऊपर चूर के डालूंगी। हम लोग मैं इसी स्टाइल से बनाती हूँ हरी सब्जी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और बाकी मैंने सरसों के तेल में जख्या डाला, उसके बाद मैंने हरी सब्जी डाली। हरी सब्जी डालने के बाद मैंने उसमें सारे मसाले डाल दिए थे। तो अब बारी है कढ़ी बनाने की। तो आज मम्मी ने दिन में कढ़ी वगैरह मम्मी ने ही बनाई थी, तो मम्मी ने यहाँ पे सारी कढ़ी की तैयारी कर दी। मैंने पहले भी रेसिपी दे रखी है, जो रेसिपी मैंने पहले दी रहती हूँ मैं बार बार नहीं देती। तो अगर आप लोगों को रेसिपी देखनी है, तो प्लीज़ आप मेरे पिछले वाले जो इतने ब्लॉग्स हैं उनमें देख लीजिए। और यहाँ पर मम्मी ने भात भी रख दिया था। तो दिन में आज मम्मी ने कढ़ी बनाया, और मैंने सब, ये जो मेरे कमरे की दुर्दशा हो रखी है ना, ये बहुत सुबह से ये आज ऐसे ही फैला हुआ है। दिन में ना मैं सो गई थी, मेरे को ना बहुत ज़्यादा नींद आई थी। तो मैंने कहा अब मैं ये सारा सामान एक साथ समेटूंगी। तो अभी ना मैंने अपना बस अपने दो पजामे रख दिए इस तरीके से। तो अभी इसमें और पजामे होंगे, तो धीरे धीरे अभी इसको मैं अच्छे से सेट करूँगी। तो अभी तो पहले मैं अपने पजामे ढूंढ रही हूँ, है कहाँ पर, दिख नहीं रही इस तबाही। हाँ जी, हाँ चलिए फिर जल्दी से इनको समेटते हैं और अच्छे से क्लीन करते हैं रूम की।
बहुत टाइम से मैं प्लान कर रही थी कि मैं कब अपनी वार्डरोब को सही करूँगी, बट वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज फाइनली वो दिन आया कि जिस दिन मैंने अपनी वार्डरोब सही कर दी। तो पहले मैंने सारे कपड़े निकालते थे, जितने भी मेरे समर के कपड़े थे मैंने सारे निकाले, और मैंने विंटर की तैयारी करी थी विंटर के कपड़े रखने की। तो मैंने क्या किया कि जो समर के कपड़े थे वो एक बैग है मेरा परमानेंट बैग, उसमें ही मेरे सारे गर्मियों के और सर्दियों के कपड़े रहते हैं। जैसे विंटर आती है तो विंटर के कपड़े बाहर और गर्मियों के कपड़े उसमें चले जाते हैं समर के। तो इसी तरीके से मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे से एक बैग में भर दूँगी कि जिससे कि नेक्स्ट ईयर मेरे वो काम आ जाएंगे अच्छे से। तो ऐसा होता नहीं कि इधर उधर फेंक दो, इधर उधर कहीं रखोगे तो मिलते नहीं, इसलिए परमानेंट मैंने बैग बना रखा है। तो इस तरीके से मैं सारे कपड़े अरेंज कर दूँगी जल्दी से। मैंने कपड़े में इसमें कुछ अरेंज कर दिए और अब बेड की बारी है। तो बेड में भी मेरे कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि मुझे बाहर निकालने और कुछ कपड़े जिस समय को अंदर रखने। तो अब बेड की बारी, तो अब जल्दी से बेड का करते काम और उसके बाद फ्री होते इससे। तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। सो वार्डरोब तो मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, अब बारी आई थी मेरे बेड की। तो बेड में भी बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था पूरा बेड, मतलब मैंने कब से मैंने बेड की भी क्लीनिंग नहीं करी थी। तो आज मैंने सारे बेड के भी कपड़े निकाल के, मेरे को एक जैकेट ढूंढना था बट वो जैकेट मुझे मिला नहीं, तो इसीलिए मैंने सारे बेड के भी कपड़े अच्छे से रख दिए। तो यहाँ पर मैंने अपना आधे से ज़्यादा मैंने अपना बेड यहाँ पर समेट दिया। अभी भी यहाँ पर तबाही मची हुई है, इसको भी मुझे बहुत जल्दी से क्लीन करना है। तो चलिए फिर जल्दी से करते हैं इसे क्लीन। और बाकी मैंने बेड में तो पूरी सेटिंग कर दी है, इस तरीके से मैंने अपने पूरा बेड को अच्छे से वो कर दिया सेट। तो अब ये बेड की आ रही है बंद करने की बारी। अब ये चीज़ें रखनी है मुझे, दो तीन चीज़ें जो बाहर फैली हुई है उनको भी वापस इसमें रखना है, उसके बाद में कर दूँगी बेड बंद, फिर लगाऊंगी बेड शीट। तो चलिए फिर जल्दी से करते काम। तो आज ना मैं घर पर अकेली हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि मम्मी और पापा और ये सब तीनों के तीनों जा रखे हैं मौसी की एनिवर्सरी में। मैं नहीं गई क्योंकि पार्टी है किसी रेस्टोरेंट में। तो सो अभी ना मैं बाहर का खाना भी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि ना कुछ टाइम से मैं बाहर का खाना खा नहीं रही। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं जाऊंगी नहीं खाऊंगी तो फायदा क्या है। The next morning. Hello everyone, good morning. I hope आप लोग सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज हमारे ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है वो आपको मैं किचन में जाके दिखाती हूँ। आज हमारे ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं दाल की भरी हुई पूरी, जो कि हम लोग अब सर्दी में बहुत खाते हैं और ये मेरा फेवरेट है फेवरेट। तो चलते हैं गार्डन में, वहाँ से लेके आते हैं धनिया और मिर्च। सो खेत से मैं लेके आ गई हूँ धनिया और मिर्च। मैं कैमरा लेके नहीं गई क्योंकि मैंने कैमरा लगाया था चार्जिंग पे। तो अब इसको जल्दी से साफ करते हैं, धोते हैं और इसको चॉप करके रख देते हैं, क्योंकि आज जो पूरी बनानी है भरी पूरी वो बनाएंगी मम्मी जी। तो चलिए फिर उनके लिए सारी प्रिपरेशन करके रख देते। वैसे तो उन्होंने ये दाल खुरपी सी आटा में भून दिया था और मिर्च अभी मैं चॉप कर देती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है जिसमें कि मम्मी बना रही है भरी पूरी, और भरी पूरी में आज मम्मी बनाई सौंठ की दाल होती है उसकी पूरी। तो ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोगों के यानी बहुत ट्रेडिशनल, जब भी ट्रेडिशनल पहाड़ी फूड ही लगा लो, क्योंकि जब भी कोई अच्छा दिन होता है या शुभ दिन या त्यौहार वगैरह होता है तो उस दिन हमारे यहाँ घर पर ये बनता ही है, सुवाले बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। तो मम्मी ने ही बनाए थे। तो यहाँ पर मम्मी ने दाल को पीसा सिलपट्टे में और धनिया वगैरह डाला इसमें, मिर्च वगैरह डाली और प्लस नमक मसाले जो नॉर्मल मिलाते हैं। तो इस तरीके से आज मॉर्निंग में मम्मी ने नाश्ता बनाया। तो फिर मम्मी की हेल्प करने के लिए मैं आ गई थी थोड़ी देर में, क्योंकि जब तेल में पूरी बनाई थी तो मम्मी बेल रही थी और मैं तेल से पूरियाँ निकाल रही थी। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे पूरी का एंजॉय। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।